सलमान खान की फिल्म किक 2 कब रिलीज होगी, बताया साजिद की पत्नी ने। सलमान खान की फिल्म किक जो कि 2014 में बनी थी, अब इस फिल्म के सिक्वल को लेकर ताजा अपडेट सामने आए। चलिए जानते हैं कब रिलीज होगी किक 2। सलमान खान के फैंस के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि सलमान खान के फैंस लंबे समय से उनकी फिल्म किक के सिक्वल का इंतजार कर रहे थे। बता दें कि उनका ये लंबा इंतजार अब जाकर खत्म होने वाला है। वहीं आप लोगों को बता दें, सलमान खान की किक 2 को लेकर ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया गया है। सलमान खान अपनी आगामी फिल्मों के साथ दर्शकों को रोमांचित करते रहते हैं। जहां सलमान खान के फैंस सिकंदर के लिए एक्साइटेड है, वहीं दूसरी ओर किक 2 के सिक्वल का इंतजार कर रहे हैं। चलिए जानते हैं किक 2 पर क्या अपडेट आया है। साल 2014 में सलमान खान की फिल्म किक बड़े पर्दे पर सुपर डुपर हिट रही थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन किया था। रिलीज के बाद से ही फैंस को इसके सिक्वल का बेसब्री से इंतजार है। बता दें कि सलमान खान की फिल्म किक 2 को लेकर साजिद नाडियाडवाले की पत्नी ने वर्दा नाडियाडवाले किक 2 के बारे में जानकारी साझा की है। वर्दा ने कहा किक 2 के सिक्वल पर काम चल रहा है, लेकिन निदेशक साजिद की स्क्रिप्ट को निखारने के लिए सावधानी पूर्वक दृष्टिकोण के कारण देरी का सामना करना पड़ सकता है। वर्दा ने आगे कहा कि लगभग किक 2 अपने अंतिम चरण पर पहुंच गई है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया साजिद को अपने पिछले सहयोग से निर्धारित अपेक्षाओं को पार करने के लिए प्रशंसकों से भारी दबाव महसूस होता है। वर्दा ने फैंस को धैर्य रखने को कहा है, मुझे लगता है कि इसे थोड़ा आसान लेना चाहिए और कहना चाहिए बस इस फिल्म को लाओ, हमें यह पसंद है। उन्होंने कहा किक 2 की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है और हो सकता है कि सिकंदर के बाद किक 2 पर काम शुरू हो जाए, यानी 2025 के अंत तक या 2026 की शुरुआत तक। लेकिन अभी किक 2 के रिलीज को लेकर ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। किक 2 के पूरे प्रोजेक्ट पर साजिद नाडियाडवाले का ध्यान रहेगा। अभी सिर्फ सलमान खान की फिल्म किक 2 में नजर आएंगे, इसी के बारे में अनाउंसमेंट किया गया है। फिल्म के स्टार कास्ट को लेकर किसी प्रकार के ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान काफी लंबे समय से अपनी फिल्म किक 2 के लेकर चर्चा में। इस फिल्म का पहला पार्ट ब्लॉकबस्टर रहा था, जिसके बाद से फैंस को इसके सिक्वल का बेसब्री से इंतजार रहता है। फिल्म के सिक्वल पर जाने माने निर्माता साजिद नाडियाडवाले काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं, और वहीं अब बताया जा रहा है कि फिल्म की तैयारियां शुरू हो रही। खबरों की माने तो किक 2 के लिए साजिद नाडियाडवाले ने मशहूर डायरेक्टर यार मुर्गादोस के संग हाथ मिलाया है। आइए आपको इस फिल्म से जुड़ी हर एक डिटेल विस्तार में बताते हैं, और साथ ही जानते हैं ये फिल्म कब रिलीज होगी। रिपोर्ट्स के अनुसार सलमान खान और साजिद नाडियाडवाले ने फिल्म किक 2 के लिए हाथ मिला लिया है। वहीं बता दें कि किक के निर्देशन साजिद नाडियाडवाले ने किया था, लेकिन इसके सिक्वल को डायरेक्ट करने के लिए साजिद ने निर्देशक एआर मुर्गादोस को चुना। दिलचस्प बात यह है कि साजिद नाडियाडवाले इसे पूरा प्रोजेक्ट में एआर मुर्गादोस के साथ देंगे और बाकी चीजों को देखरेख करते रहेंगे। साजिद चाहते हैं कि किक 2 में उनके प्रोडक्शन हाउस की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर सामने आए। ऐसे में एआर मुर्गादोस और उनकी टीम ने फिल्म किक 2 में स्क्रिप्ट काम शुरू कर लिया। बता दें यह फिल्म इसी साल 2024 के फ्लोर पर जाएगी। इतना ही नहीं, मेकर्स ने इस फिल्म के रिलीज करने के लिए 2025 का ईद का खास मौका रखा है। फिल्म के पहले पार्ट की कहानी देवीलाल सिंह सलमान खान की थी, जिसे जिंदगी में जोखिम भरे काम करने में मजा आता है। देवीलाल सिंह कैंसर से पीड़ित बच्चों को बचाने के लिए डेविल बन जाता है, अमीरों को लूटता है और बच्चों का इलाज करवाता है। वहीं इस फिल्म के सिक्वल की बात करें तो किक 2 की कहानी इस बार काफी अलग होने वाली। हालांकि फिल्म के सिक्वल की कहानी को लेकर अभी कोई अपडेट नहीं आया, लेकिन ये तय है कि फिल्म में दर्शकों को भरपूर एक्शन देखने को मिलने वाला। बता दें कि फिल्म के पहले पार्ट किक में सलमान खान के अलावा जैकलीन, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, रणदीप हुड्डा, सुमोना चक्रवर्ती, गौतम सिंह राजपूत, संजय मिश्रा और सौरभ शुक्ला मुख्य भूमिका में नजर आए थे। वहीं किक 2 में एक बार फिर जैकलीन वापसी करेंगी। हालांकि अभी अन्य कलाकारों को लेकर ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब साजिद नाडियाडवाले ने स्क्रिप्ट सुनी तो उन्होंने तुरंत सलमान खान को मुख्य भूमिका के लिए चुना। सलमान खान को स्क्रिप्ट पेश करने के बाद उन्होंने तुरंत इसकी मंजूरी दे दी और इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने के लिए सहमत हो गए। कहानी किक की दुनिया में पूरी तरह से फिट बैठती है और सलमान खान देवीलाल सिंह अपनी भूमिका को दोहराते हुए नजर आएंगे, और सलमान जिन्हें डेविल के नाम से भी जाना जाता है। सोशल मीडिया पर नवीनतम चर्चा साजिद नाडियाडवाले द्वारा सलमान खान और एआर मुर्गादोस के बीच एक प्रमुख सहयोग की सनसनीखेज खबर से प्रभावित है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सलमान खान और साजिद नाडियाडवाले इस बार हिट फिल्म किक 2 के सिक्वल के लिए एक बार फिर साथ आ रहे हैं। किक का निर्देशन साजिद नाडियाडवाले ने किया था, जबकि सिक्वल का निर्देशन एआर मुर्गादोस द्वारा निर्देशित इस फिल्म का निर्देशन साजिद नाडियाडवाले करेंगे। और ऐसे बॉलीवुड की न्यू मूवीज की अपडेट जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।